and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, दिक्कत आ रही है राशन में उन्हें, उनके लिए किस तरह से आपके द्वारा प्रयास किया जाए? पिछले एक सप्ताह से बहुत इंटेंसिफाइड गतिविधि बनारस में की जा रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो चालू की गई है उसमें ये बाकायदा दिखाया गया है कि किसी के पास भी निराश्रित व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है तो हम लोग उसका राशन कार्ड बनवाने का कार्य करें। तो जो भी दिहाड़ी मजदूर है, पल्लेदार है, ई रिक्शा चालक है, ऑटो रिक्शा चालक है या ठेले वाला खुमचे वाला है, जिनके पास कोई और साधन नहीं है कमाई का, प्रतिदिन मजदूरी पर ही डिपेंड थे और जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है लॉकडाउन की वजह से, वे लोग अपना आधार कार्ड और बैंक की डिटेल अगर उपलब्ध करवा दें नगर निगम के कार्यालयों में तो उनकी ऑनलाइन फीडिंग का कार्य चालू करा दिया गया है। करीब 7-8 हज़ार लोग हैं जिनकी फीडिंग हो चुकी है, उनके राशन कार्ड बनवाए जाएंगे और राशन कार्ड के साथ साथ 1,000 रुपये प्रति माह उनके खाते में भी भेजे जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट हम 1-2 दिन में जारी करने वाले हैं, जैसे जैसे लोगों के नाम आते जाएंगे वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट जारी होती रहेंगी। आने वाले 3 महीने तक इनको सहायता दी जानी है। तो हमारी अपील ये होगी कि ऐसे जो भी निराश्रित लोग हैं वो चाहे खुद से अप्लाई करें, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे, चाहे पार्षद हों, चाहे हमारे माननीय विधायक गण हों या जो भी लोग हों, उनको जानकारी मिले ऐसे लोगों के बारे में तो उनकी ये दोनों डिटेल फीड करवाएं। जिसका बैंक खाता नहीं है वो बैंक जाकर अपना जनधन खाता खुलवा लें, परंतु जिनके खाते हैं और आधार कार्ड है उनको तुरंत की तुरंत ये लाभ मिल सकता है। अगर आने वाले 2-4 दिन में ही लोग अप्लाई कर देंगे तो कुछ ही दिन में इनको राशन भी मिलना शुरू हो जाएगा और इनके बैंक के खाते में 1,000 रुपये भी आने शुरू हो जाएंगे। लॉकडाउन है, जैसा कि ये वार्ड स्तर से ही नगर निगम को वहाँ कोई इनसे अटेंड करेगा या फिर इन्हें नगर निगम जाना होगा? इनकी सुविधा के लिए बता दिया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो आधार कार्ड और बैंक की डिटेल अगर उपलब्ध करवा रहे हैं तो बैंक की पासबुक की फोटो खींच दें, आधार की फोटो खींच दें, अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख दें, वो जोनल अधिकारियों को भेज दें, नगर निगम के किसी भी कर्मचारी के माध्यम से नगर निगम को भेज दें या डूडा ऑफिस में ये भेज दें। अगर कोई जनप्रतिनिधि हैं तो उनकी सूची कलेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से ही ये सारी की सारी वहाँ भेज दें। तो कुल मिला के हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति को खुद ना आना पड़े, केवल सत्यापन का इशू बचता है तो नगर निगम के कर्मचारी और तहसील के कर्मचारी वहाँ जाके एक बार देख के जरूर आएंगे कि जेन्युइन लोग ही अप्लाई करें, लेकिन सत्यापन का काम क्योंकि सरकारी कर्मचारी को करना है केवल वही मूवमेंट करेगा, व्यक्ति खुद बैठा है ये अपने घर से भी कार्य कर सकता है और उसे किसी भी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सर, एक शब-ए-रात से त्यौहार आ रहा है, उसमें क्या अपील होगी इन लोगों से? लाइए, सभी को जानकारी है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के अलर्ट को चलते लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। व्यक्ति को खुद को बचना हो तभी व्यक्ति लॉकडाउन में रहता है और व्यक्ति खुद सुरक्षित रहेगा तभी बाकी हमारे जितने भी त्यौहार होंगे या बाकी भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे उसमें शरीक होने का फायदा है। अब पिछले कई दिनों से सारे देश के जितने भी हमारे माननीय धर्मगुरु हैं उन्होंने सबने अपील की है और अब जो वर्तमान में त्यौहार आने वाले हैं उसमें भी सभी ने अपील की है कि जिसको भी त्यौहार मनाना वो घर ही से बैठ के अपना दुआ करें, अपने घर से ही अपना धार्मिक कार्यक्रम करें, किसी भी तरह से बाहर निकल के उसको संचालित ना करें। अभी थोड़े दिन पहले रामनवमी का त्यौहार आया था, हनुमान जयंती भी आज है, लेकिन सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और घर बैठ के ही त्यौहार मना रहे हैं। 1-2 दिन बाद शब-ए-बारात का भी कार्यक्रम होगा, रात को लोग कब्रिस्तान पर जाके फातिया पढ़ते हैं। मेरी सबसे अपील है कि ये कार्य भी अपने घर बैठ के ही करें। हमारे जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस धरती से विदा हो चुके हैं उनका भी हमें आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम लोग सुरक्षित रह के उनसे दुआ मांगेंगे और देश को दोबारा से पटरी पे लाने के लिए हम लोग उनसे गुजारिश करेंगे। घर बैठ के ही ये कार्य करें, जितने भी हमारे जिम्मेदार धर्मगुरु हैं उनकी अपील को मानें, खुद को असुरक्षित ना बनाएं। हो सकता है कि कब्रिस्तान पे जाने से, घर से बाहर निकलने से खुद ही बीमार हो जाएं और वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत पड़े तो ऐसा दिन आपके परिवार में ना आए, इसलिए इस अपील को मानें और जिन भी लोगों ने ये अपील सुनी है वो आगे भी इसको प्रचारित करें कि अपने घर ही बैठ के आने वाले 1-2 महीने के सारे त्यौहार मनाने हैं। लॉकडाउन के दौरान तो मानना ही मानना है, लेकिन लॉकडाउन खुल भी जाए तब भी 1-2 महीने एहतियात रख के किसी भी धार्मिक स्थल पर ना जाके घर से ही सारा कार्य करें। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।